हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज हम बना रहे काफ़ी पावरफुल सा ऑयल है जो कि अनियन हेयर ऑयल है। ये बालों के लिए आप सब जानते हो कि कितना अच्छा है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। जब बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं, नए बाल नहीं उगते, तो ये आपके नए बालों को उगाएगा, आपके बालों के झड़ने को काफ़ी हद तक कम करेगा और आपके बालों की चमक वापस आ जाएगी। आपको बिल्कुल कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ऑयल आप ज़रूर यूज़ करें। और चलिए देखते हैं इसका पूरा वीडियो। यहाँ लिए है मैंने अनियन, दो कटे हुए अनियन है, मतलब मोटे मोटे पीसेस हमने काटे क्योंकि हम इसको मिक्सी में पीसने वाले हैं। और दो बड़ी चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना। मेथी दाना भी बहुत अच्छा है हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए, हमारी हेयर्स की चमक के लिए। और यहाँ मैंने लिए हैं दो चम्मच कलौंजी। कलौंजी खुद ही काली रहती है, हमारे बालों को भी काला करती है, तो हम कलौंजी को भी यूज़ करेंगे इस ऑयल में। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कड़ी पत्ते, तो यहाँ काफ़ी सारे कड़ी पत्ते जिनको मैंने वॉश कर लिए। आप भी जानते हो कड़ी पत्ते बहुत अच्छे रहते हैं हमारे बालों के लिए, ये भी हमारे बालों को काला करता है धीरे धीरे करके, ये हमारे बालों को काला करता है, कंडीशनर करता है। तो सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में डाल के पीसेंगे। तो सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी है हमारे बालों के लिए, जैसे कलौंजी हो गया, मेथी दाना हो गया, तो हम सब चीज़ें ना एक साथ मिला के हम ऑयल बनाएंगे इसका। तो पहले ना सब चीज़ों को हम पीसेंगे। और प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर आपको किसी स्पॉट पर आपको लग रहा है कि बाल झड़ गया, वहाँ पर बाल वापस नहीं आ रहे, तो ये प्याज है ना आपकी बहुत हेल्प करेगा उन नए बालों को लाने के लिए। और नए बाल बिल्कुल काले हैं, इसलिए हम बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड कर रहे हैं कि बिल्कुल बढ़िया से काले बाल आपके वापस से आएंगे। तो चलिए इन सबको कर लेते हैं, पीस लेते हैं। तो ये दरदरा सा अभी पेस्ट बनेगा, पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कुछ गीलापन हमें चाहिए। तो पानी तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हम ऑयल बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे हम ऑयल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ कप सरसों का तेल, यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, आप चाहे तो नारियल का तेल भी ले सकते हो। तो हाफ कप लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं दो बार करके इसमें डालूंगी और इसकी बढ़िया से हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। ऑयल डालने से ना ये बहुत बढ़िया सी पेस्ट जो है बन जाएगी आसानी से। तो यहाँ पे आपको पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, तेल डालना है। आप चाहे तो सरसों का तेल डालिए या तो नारियल का तेल डाल सकते हैं। तो ये पेस्ट जो है बढ़िया सी रेडी है, हाफ कप मैंने सरसों का तेल डाल लिया था थोड़ा थोड़ा करके, और ये पेस्ट हमारी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। यहाँ मेरे लिए लोहे की कढ़ाई, यहाँ पे आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें ये पूरा पेस्ट जो है डाल देना है। लोहे की कढ़ाई अगर काफ़ी मोटी है, थिक है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरी थोड़ी सी पतली है कढ़ाई ये, तो इसमें मैं पेस्ट जो है पहले पूरी डाल ले रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी हाफ कप नारियल का तेल। तो मैंने पहले जो पीसते वक्त सरसों का तेल यूज़ किया था हाफ कप, और अभी मैं इसमें हाफ कप ले रही हूँ नारियल का तेल। तो टोटल एक कप ऑयल यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो एक कप ऑयल हमने ले लिया, आधा सरसों का आधा नारियल। आप दोनों पूरा नारियल ले लीजिए, पूरा आप चाहे तो सरसों का तेल लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। तो गैस को कर लीजिए ऑन और धीमी आँच पर हम इसको प्याज को जो है जो पेस्ट है हमारी इसको हम पकाएंगे ऑयल में, जब तक कि ये इसका कलर जो अच्छा सा डार्क कलर नहीं हो जाता है तब तक हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। तो लगभग 10-12 मिनट लग जाता है धीमी आंच पे इसको पकाने में, डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई पतली है या मोटी है। अगर मोटी रहेगी तो बहुत अच्छा है, जितना प्याज पकेगा अच्छे से उतना ऑयल जो है हमारा अच्छा पावरफुल बनेगा। तो बस धीमी आँच पर इसको चलाते हुए हमें पकाना है, जब तक कि इसका कलर डार्क नहीं हो जाता, एकदम ब्राउन सा कलर नहीं हो जाता तब तक हमें इसको पकाना है। तो बस कंटिन्यूस आपको पकाते रहना। और ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं काफ़ी अच्छी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए अच्छी है। आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे, मतलब जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे ना, आपके जैसे नेचुरल बाल हैं आप ये यूज़ कीजिए, आपके बाल वाइट नहीं होंगे। आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं कि आपने एक बार लगा लिया और इसको छोड़ दिया, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ये ऑयल को अप्लाई करना है। आप चाहे तो सुबह उठते आप इसको बढ़िया से मालिश कर लीजिए, पूरे बालों की लेंथ में आप इस ऑयल को लगाइए, स्कैल्प पे लगाइए और अच्छे से सॉफ्ट हाथों से इसके मसाज कीजिए। रगड़ना बिल्कुल नहीं है बालों को, इसे लगा के बहुत ही सॉफ्ट हाथ से आपको इसकी मसाज करनी है। और आप 2-3 घंटे आप इस ऑयल को लगे रहने दीजिए बालों में, और फिर आप शैम्पू कर लीजिए। तो बढ़िया से आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बाल आप पहली बार में ही देखोगे आपको चेंज लगेगा, आपके बालों में बहुत चमक आ जाएगी, सॉफ्ट हो जाएंगे बाल, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो मैं किस तरह इसको पका रही हूँ, और धीरे धीरे जो है कलर इसका चेंज होते जा रहा है, ऑयल भी पक रहा है हमारा, और प्याज जो हमने डाला है, चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं काफ़ी अच्छे से पक रही हैं, कलर जो है चेंज होता जा रहा है। तो बस ऐसे ही हमें इसको 10-12 मिनट पकाना है धीमी आंच पे। अगर आपकी कढ़ाई मोटी है तो आपको थोड़ा और टाइम और लग सकता है, 15 मिनट भी आपको लग सकते हैं इसको पकाने में। तो धीरे धीरे आप देखोगे इसका कलर चेंज हो रहा है। मेरी कढ़ाई थोड़ी पतली है तो नीचे वो चिपक रहा है, नीचे थोड़ा सा ऐसे जल रहा है, मतलब चिपक रहा है कढ़ाई के साथ। तो मैं क्या कर दूँगी, अब गैस को कर देते हैं बंद और इसको ना
बंद गैस में भी हम थोड़ा सा चढ़ा देंगे ताकि ये चिपके बिल्कुल भी ना, और कंटिन्यूअस मैं इसको घुमा रही हूँ। और ये पूरा जो आपको तेल बनाना है धीमी आंच पे ही बनाना है। तो बस अब ये जो है इसको हम कर लेते हैं ठंडा। तो आधा पौन घंटा या एक घंटा भी आप इसको रख दीजिए कढ़ाई में ही पड़ा रहे ये तेल, और एक घंटे के बाद हम इसको फिर छानेंगे। तो छानने के लिए यहाँ मैंने कटोरी ले ली है और यहाँ पे मैं रख रही हूँ कपड़ा। तो कपड़े से हमको इसको छानना है, चाय की छन्नी में बिल्कुल मत छानिएगा, हमें बिल्कुल इसका तेल निकालना है। अगर हम चाय की छन्नी में छानेंगे ना तो वो बारीक बारीक कण भी जो इसके हैं ना वो उसमें ऑयल में आ जाएंगे। हमें सिर्फ इसका ऑयल चाहिए तो हम इसलिए कपड़े में छाने। तो अभी कोई भी कपड़ा ले लीजिए पुराना सा कॉटन का और उसमें आप इसको छान लीजिए। सारा मिक्सचर जो है मैं डाल दे रही हूँ और बढ़िया से हम इसकी पोटली बना लेते हैं और बढ़िया से इसको दबा के हम इसका पूरा ऑयल निकाल लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल घर में बना हुआ अनियन ऑयल जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अनियन के साथ और भी चीज़ें आपने देखा मैंने डाली है, सब चीज़ों का इसमें गुड़ हमें मिलेंगे, हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। जो नए बाल नहीं उग रहे हैं, बाल झड़ रहे पर नए बाल नहीं आ रहे ना, तो ये ऑयल लगाने से आपके नए बाल बहुत ही अच्छे से और काले बाल आएंगे ज़रूर, और बहुत ही बढ़िया बाल आएंगे। तो आप ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए, बहुत आसान है इसको घर पे बनाना ही। आपने देखा कितना इजी है बनाना, बना के रख लीजिए, महीना भर ही ऑयल चलेगा, ऑयल तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको कांच की शीशी में आप डाल के रख लीजिए, एयर टाइट मतलब कांच की बॉटल में आप रख लीजिए इसको स्टोर करके, और आप इसको अप्लाई कीजिए हफ्ते में 2-3 बार आप लगाइए, बढ़िया आपको बेस्ट रिजल्ट इसका मिलेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस रिज़ल्ट के बारे में। और जो हमने छाना है ना ये जो अनियन और ये सब चीज़ें हैं ना, ये भी अगर आप नहीं फेंकेंगे आप इसको यूज़ कर सकते हो हेयर मास्क की तरह। जिस एरिया में आपके बाल ज़्यादा झड़ गए, आपको लग रहा है सामने तरफ में बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, तो आप ये अप्लाई कीजिए आप स्कैल्प में और हल्के से अप्लाई करके आप रख दीजिए 2-3 घंटे और फिर आप शैम्पू कर लीजिए, तो इसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है, आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके बाल जो है बहुत अच्छे शाइन करेंगे। तो चलिए बताइए आप मुझे कैसा लगा आज का वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट। इस प्यारे से ऑयल के लिए तो बनता है, आप इस तेल को बनाना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो देखते ही ज़रूर बनाएं और इसे आप अप्लाई कीजिए अपने हेयर्स पे। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज आरडी कुकिंग पे आप मुझे फॉलो करते हो तो प्लीज़ पेज को लाइक भी कीजिए, फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और ये तेल ज़रूर आप बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा ये तेल। मार्केट से इतने महंगे तेल मत खरीदिए, घर पर ही अनियन ऑयल ज़रूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री गणेश, वाहेगुरु।